अगर आपको चोट लगा, आपका हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, तो ये बहुत बार समस्या रहती है कि सूजन आ जाता है, सूजन जाता नहीं है, लंबा समय तक सूजन रहता है। तो ये सूजन के लिए क्या करें, अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आई एम प्राउड फादर ऑफ ट्यूशन एंड हस्बैंड ऑफ अ लवली वुमन। वैसे तो मैं फ्रैक्चर और खास करके घुटने के जो मरीज रहते हैं, जिनको घुटने की तकलीफ होती है 50 वर्ष से ज्यादा, उसके लिए बहुत सारा हमने कंटेंट यूट्यूब पे दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग हम लोग को यूट्यूब पे, फेसबुक पे कंसल्ट करते हैं, जो केवल हमारे एरिया के नहीं बल्कि दूर दूर के रहते हैं, जो सलाह लेते हैं। और ये बहुत ही कॉमन सलाह है जो हम सब पूछते हैं लोग कि सर चोट लग गया पैर में, चाहे फ्रैक्चर हो गया, चाहे ऑपरेशन हो गया, और पैर में सूजन बना रहता है, क्या करें। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक्चुअली सूजन क्यों होता है, पहले ये चीज समझना है कि सूजन क्यों हो जाता है। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि जब हड्डियां टूटती है, चाहे चोट लगता है, तो केवल ऐसा हड्डी नहीं टूटता है, हड्डी के साथ साथ खून की नलियां भी जो रहती है ना, वो भी टूटती है। खून तो जिसे, अगर जिसे पैर है, तो पैर में तो खून तो नीचे तो उतर जाता है, क्योंकि नीचे से उतरना तो एक ग्रेविटी के कारण से भी उतर जाता है। और उसकी जो खून नीचे आने वाला, जो खून की नलियां रहती हैं, वो मोटी रहती हैं और अधिकतर समय वो डैमेज नहीं होती। लेकिन जो खून अगर शरीर के पैर में से ऊपर जाने वाली जो नलियां हैं, वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो बाहर में रहती है, वो थोड़ा सा, और थोड़ा सा वो मुलायम भी रहती है, और कहीं भी, और हड्डी जैसे टूटा वैसे ही वो नस, मतलब खून की नलियां भी टूटती हैं। खून तो नीचे उतर जाता है, लेकिन ऊपर जाने वाला जो सिस्टम है ना, ऊपर फिर से लेके जाने वाला सिस्टम है, जो हार्ट में फिर से खून जाता है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं हड्डी टूटने के साथ साथ उसमें भी डैमेज हो जाता है, और वो धीरे धीरे रिपेयर होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, हम लोग तो हड्डी का तो ऑपरेशन कर देते, ब्लास्ट लगा देते, उस नलियों के लिए तो कुछ करते नहीं, और नलियां धीरे धीरे रिपेयर होती है। तो ऐसा होगा आपको कि कितना दिन तक, मैंने लंबा समय तक, कितना बार फ्रैक्चर, पैर का फ्रैक्चर हुआ, 6-6 महीना तक आप चलिएगा, चाहे पैर लटक के रहेगा, तो सूजन हो जाएगा। अधिकतर समय मरीज का एक कंप्लेंट रहता है, दिन भर चलते हैं, शाम को सूजन हो जाता है, सवेरे उठते हैं सूजन कम हो जाता है, और ये नेचुरल है। ऐसा होगा आपको कि आप दिन भर चलेंगे, शाम को आपको ज्यादा सूजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पैर लटक के रहेगा। रात को सोएंगे, क्योंकि पैर थोड़ा ऊंचा रहता है, तो आपकी पैर की सूजन कम हो जाएगी। अगर आपकी समस्या है, तो इसका समाधान सिंपल, ये फिजिक्स में ही है। अगर आप छोटा सा ये ध्यान रखें, तो बिना दवाई गोली के आपकी सूजन 4 घंटे में कम हो जाएगी। आप पैर लटका के ना रखिए, बैठे हुए हैं तो स्टूल पे पैर रखिए, रात को सोने के बाद पैर के नीचे तकिया रखिए, पिल्लो रखिए, आप देखिएगा सूजन कम होगी। आप चले फिरेंगे तभी सूजन होगा, चाहे पैर लटक के रहेगा तो सूजन होगा, और ये कुछ दिन तक रहेगा। हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना, कितना लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने तक रहता है, और इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये नेचुरल है, वो धीरे धीरे ही ठीक होता है। इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज है, ये बात को समझना है। क्योंकि इसी के लिए कितना बार मरीज हमारे पास दिखाने आता है, उसी के लिए हमारे पास 1000 रुपया फी देता है, और ये एक ऐसी जानकारी है कि अगर आपको पता चल जाए तो एक मन को शांति मिलता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको लगता है कि सचमुच मैंने किसी तरह से आपको कोई वैल्यू दिया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हड्डी, चाहे खास करके ज्वाइंट से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड, घुटने से पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री नहीं है, ये भी बात समझना है, इसके लिए 1000 रुपया लगता है। अगर आप सक्षम है, तो हमारी टीम से बात करके, वो डायरेक्टली मेरे से बात नहीं होता, टीम से बात होता है, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।